हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब कल मेरा पैर ना बहुत सूज रहा था, और मतलब इतना सूज रहा था कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ था। कल तो मैंने जैसे तैसे काम कर लिया था, लेकिन रात को मेरे को इतना दर्द था ना, मैं रो रही थी और बड़ी मुश्किल से सोई थी मैं। और सुबह तो मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं उठ जाऊँ, इसलिए मैं नहीं उठी थी। और फिर कुछ खाने को भी नहीं था, बनाया ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। और फिर इसके पापा से मैंने दवाई मंगवाई, वो दवाई खाई, फिर थोड़ा आराम हुआ। फिर इसके पापा ने मैगी ला के दी थी, तो एक मैगी मैंने खा ली थी और चाय पी थी थोड़ी सी, तब जाके थोड़ा आराम हुआ है। तब जाके मैं काम करूँगी। ये मेरा इवनिंग का व्लॉग है, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है व्लॉग को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना दोस्तों। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, और देख लो मेरे कमरे की हालत देख लो। अब सब संगवाऊंगी और कपड़े भी ढेर हो रहे, वो भी धोऊंगी आज। तो पता, मेरी ना सुबह बहुत तबीयत ख़राब थी और मैं उठी नहीं थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और मेरा पैर इतना सूज रहा था हद से ज़्यादा। मैं मतलब मैं परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद इसके पापा ने दवाई ला के दी थी, दवाई खा के थोड़ा आराम हो गया था। फिर मैं पहले तो मैं नहा के आई थी, क्योंकि ना कल मैं नहा ही नहीं थी, तो मेरे को इतना गंदा लग रहा था, लेकिन मेरी हालत ही ठीक नहीं थी, चला ही नहीं जा रहा था, मैं क्या नहाती। तो इसलिए मैं पहले सर धो के नहा के आई, फिर मैंने सर्वर साफ मतलब सुखाया और चोटी वोटी बनाई। और फिर उसके बाद मेरा रूम इतना ख़राब हो रहा था, मतलब बिगड़ा पड़ी थी हालत बिल्कुल। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने रूम साफ़ किया, रक्षित की चप्पल उप्पल सब रक्षित ऊपर रख लेता है, खेलता रहता है। तो उसके बाद मैंने ये मतलब एक बार सुबह वैसे मैं सिर्फ झाड़ दिया था मैंने, लेकिन ये फिर दोबारा मैंने किया था, क्योंकि मैं दवाई वाई खा के लेट गई थी, दोबारा सो गए थे। तो यहाँ पर फिर मैं चाय वाय बना रही थी अपने लिए, मैगी वैगी खाई थी, फिर मैंने थोड़ा आराम सा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं फटाफट उठ जाती हूँ, थोड़ी देर ये मैगी वैगी खा के चाय पी के ना मैंने दवाई लेके लेट गई थी। फिर मैंने कहा चलो अब आराम हो गया, थोड़ा बहुत काम निपटा लेते। और पता कपड़े ना ढेर हो रहे थे, तो मुझे ना टेंशन हो जाती है जब कपड़े हो जाते हैं, तो मैं कहा चलो मैं कपड़े धोऊंगी। इसके बाद तो यहाँ पर मैं ये रक्षित के कपड़ों से मैं झाड़ रही थी बिस्तर, ज़्यादा कुछ था नहीं बिस्तर पर, लेकिन मुझे ना डर लगता कि लाल चींटी ना हो, तो इसलिए मैं झाड़ पोछ कर देती हूँ। तो अभी बर्तन तो मैंने साइड में रख दिए थे, मैंने कहा चलो बिस्तर झाड़ देती हूँ, उसके बाद रक्षित अपना ऊपर बैठ के खेल लेगा। वैसे तो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तो मैं करती हूँ और 5 मिनट में फिर रक्षित इसको दोबारा वैसा ही कर देता है। ये सारे जो टेडी बियर रखे हैं ना, इसको तो इतने बुरे लगते हैं बेचारे, बैठे हुए देखो इनको रूम गिरा साफ देता हो है। गया मेरा, आई, साफ आई, मम्मी, मम्मी, मम्मी। कर दिया है, और अब थोड़े से बर्तन है वो माजूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। मम्मा, रक्षित प्लीज। काई, 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 काई। हाँ काय काय ठीक है सर। काय 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 क्या काय मम्मी दूध पीना आपको? काय काय क्या होता है? काय काय कमरा साफ करने के बाद मैं रसोई में आ गई थी, तो थोड़े से बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, तो मैं चलो तो मैं मांज देती हूँ। बर्तन मांजने के बाद फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो फिर देखो मैंने ये चोक चढ़ा दिया था, चोक हो गया था, तो मैंने तोरी काट ली थी, मैं चल तोरी, लेकिन मेरा मन था कर दिया है ठीक है, और मसाला अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद आज मैं दो सब्जी एक साथ बना रही हूँ, बताऊँगी आपको ठीक है, देखते रहो। यहाँ पर देख लो ये सब्जी में मैंने डाल दिया पानी वगैरह, और इसमें ना मैंने एक आलू काट के डाल दिया देखो ठीक है। छिप्पा आ गया मम्मी पे प्यार, ये नंगू पंगू है मेरा प्यार। मम्मा का बेटू कौन? मतलब सब्जी की रेसिपी बिल्कुल ईजी है, तोरी की सब्जी बना लो और उसमें एक आलू काट के डालो, और उसमें बड़े बड़े टुक कर लो उसके, मतलब जो दिखे, जिससे कि आप उसको अलग कर सको, ग्रेवी अलग कर सको है ना। और यहाँ पे मैंने देखो मशीन में पानी भर दिया था, उसके बाद यहाँ कपड़े डाल दिए, ढेर हो रहे थे, मेरी टेंशन हो रही थी, पैर तो सूझ रहा था, मैंने कहा भाई कपड़े तो चाहिए, क्योंकि रक्षित के थोड़ा पैर में दर्द ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो इसलिए अरे देख लो नंगड़ घूम रहा है नहाने के लिए, पानी भरवाए टब में, ये देखो नंगू बैठ जाए टब में, टब में तो यहाँ पर रक्षित के पापा रक्षित को खेतों में ले गए थे, कुछ काम था, तो इसने दूध वगैरह पी लिया था, तो मैंने इसको भेज दिया था। यहाँ पर मैं ना कपड़े धोने के बाद ऊपर आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने दूध का रक्षित का दूध मतलब दूध का कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा, फिर भाई दूध गर्म करते हैं तो ठंडा भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने रक्षित रक्षित का दूध कर लिया था, और अपने इस बार उबालना नहीं था,
पैन का बिना उबाले ही काम चला लेंगे, क्योंकि ये रक्षा बाबा तो ठंडा पीते हैं और ऐसे भी आजकल 2 दिन से रक्षा बाबा ने दूध छोड़ रखा है, मैंने भी दूध छोड़ रखा है। तो यहाँ पे रक्षा का दूध निकाल दिया था और फिर इसको उबाल लिया था। मैं तो अच्छे से खदके मार के उबाल देती हूँ, फिर रक्षा बाबा ना गुस्सा करता है अगर थोड़ा कच्चा से पिला देती हूँ तो। और पता है रोटी बनाई थी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, पसीने पसीने, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है ना बस बता नहीं सकती। और हमारे रसोई में तो कुछ ज़्यादा ही धूप है, क्योंकि चारों तरफ से धूप पड़ती है ना तो एकदम तपती है, हम लोग पसीना पसीना हो गई थी मैं। और मैंने गैस पे रोटी बनाई थी क्योंकि मेरे तो भाई पैर में हो रहा था दर्द, कपड़े मैंने थे मुश्किल से सुखाए थे। तो मैंने कहा आज तो बेटा तू छोड़ दे चूल्हा पुल्हा, आज गैस पे रोटी बना ले, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी आज। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा ली थी अपने लिए, मैंने कहा थोड़ा सा दूध बचा था 2 घूंट, उसमें पानी मिला के मैंने 1 कप से चाय बना ली थी अपने लिए। और उसके बाद एक गैस पे मतलब रक्षा का दूध रख दिया था और 1 चाय रख दी थी, और इतने थोड़े से 1-2-4 बर्तन थे तो मैंने कहा इस पर भी हाथ मार देती हूँ। तो देख लो ये छोटे छोटे ब्लॉग्स होते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि आजकल लोग ना बदलते जा रहे हैं। मैंने देखा है आज दो इंसानों ने ना मेरा दिल दुखाया बहुत, मतलब बात करने का थोड़ा तरीका ना अलग सा लगा मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मतलब भाई मैंने क्या करा ऐसा जो मेरे से ऐसे बातें कर रहे हो, बेशक मत करो बात नहीं करनी, तो कोई मैं थोड़े पीछे तो पड़ नहीं रही हूँ, है ना। तो मेरे को ऐसा शौक नहीं किसी से बात करने का। बाकी देख लो यहाँ पे चाय बन रही थी 1 पे और 1 पे रक्षा का दूध गर्म हो रहा था, और यहाँ पे हमारी पत्ती हो गई थी ख़त्म। तो मैंने कहा चल डब्बे में पत्ती डाल देती हूँ थोड़ी सी, आज ही मंगवाई थी रक्षा के पापा से मैंने, आज ही ख़त्म हुई थी तो मैंने आज ही मंगा ली। तो यहाँ पे देख लो चाय बन रही मेरी, मेरे रक्षा का दूध ताता कर दिया है, खाना कर लिया अपना। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने ये आलू बड़े बड़े कट किए थे, एक ही आलू है सिर्फ ये, और इसको 4 भागों में काटा था। तो इससे पता है क्या हुआ, तोरी की सब्जी भी बन गई और आलू टमाटर की भी, क्योंकि मेरा मन था आलू खाने का और रक्षित के पापा का तोरी। तो मैंने इसमें से आलू आलू निकाल लिए और उसमें तोरी तोरी छोड़ दिए, और ग्रेवी भी इतनी है। और पता है टेस्ट भी बिल्कुल सेम आलू की सब्जी का ही है, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके तो देख लो आज मैंने क्या कलाकारी की है। आलू तोरी मिक्स बनाया, रक्षित के पापा को आलू पसंद नहीं है तो मैंने उसमें से आलू साइड कर लिया है, वो मैंने ले लिया है, और तोरी रक्षित के पापा ले लेंगे। और ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनी है, बिल्कुल आलू की सब्जी लग रही है, तोरी की नहीं लग रही मुझे ये, ठीक है। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। फ्रेंड्स आज मैं और मेरा रक्षित देखो रेड रेड है, देखो 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 देखो। तो जैसा आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, जितने भी नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। आप लोग मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, बने रहिए, जब तक के लिए नहीं मतलब हमेशा खुश रहिए आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा और मेरा व्लॉग पूरा देखा कीजिए। बाय बाय रक्षु, बाय बाय कर दे, बाय बाय।